नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। AIMIM पार्टी ने जनपद में बढ़ाया अपना जनाधार। यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमएम के जिला अध्यक्ष इशरत खान के नेतृत्व में रविवार को शहर के हाजीगंज स्थित एक निर्जी फार्म हाउस पर जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने मजलिस की सदस्यता ग्रहण की। गौरतलब है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी गोटियां सेट करना शुरू कर दी हैं। वहीं एमएम ने भी उत्तर प्रदेश में अपने जड़े मजबूती करना शुरू कर दी है। सदस्यता अभियान चलाकर व कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर मजलिस युवाओं को जोड़ने का काम कर रही है। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए एमएम जिला अध्यक्ष इशरत खान ने कहा कि मुस्लिम समाज को अपना वोट बैंक समझने वाली नामनिहाद सेकुलर पार्टियों में एमएम के बढ़ते जनाधार से खलबली मच गई है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को वोट बैंक समझा जाने वाला समय समाप्त हो गया है, अब प्रदेश का मुसलमान सीधे हिस्सेदारी की बात करेगा। उन्होंने कहा कि जब 9% संख्या वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा तय करने वाला मुसलमान प्रदेश का मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता। कन्नौज से जिला संवाददाता शिबू सैनी की खास रिपोर्ट। विधानसभा 2022 की तैयारी है, यहाँ से हम जीत का बिगुल फूंक रहे हैं और इंशाल्लाह तीनों विधानसभा आप कन्नौज की जीतेंगे, उसकी तैयारी है, उसी की समीक्षा हो रही थी। क्या जिला कार्यकारिणी पूरी तरह से तैयार की गई है जनपद? जिला कार्यकारिणी तो बहुत पहले तैयार हो रखी थी, अब हम बूथ पे काम कर रहे हैं और इस ताकत को बड़ा करने के लिए हमारे बीच में मेरे साथ हमारे बड़े भाई डॉक्टर है हाजी यास साहब और हाजी रूमी साहब और तमाम टीम आज आ चुकी है हमारे साथ। ये लोग आवाज देते थे कि अब ये बच्चे हैं उनको आवाज या बताना है कि ये बच्चे उनको बताएंगे कि 2022 में उनकी औकात क्या है। बताएं, पिछले 74 सालों से कांग्रेस, 32 सालों से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी जो झूठा सेक्युलरिज्म का चेहरा लगाकर मुसलमानों और दलितों पिछड़ों आदिवासियों का जो वोट ले रहे थे उनको औकात बताने के लिए आज आजाद साहब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जरिए उनको आगाज कर रहे हैं कि तुम्हारे शोरूमों पे ताले लगने वाले हैं और अपना जगह अपनी शक्लें बदल लो, नहीं बदलोगे तो तुम्हारी शक्लें बदल जाएंगी। आज कितने लोगों ने सदस्यता ली है? आज तकरीबन कमोबेश 200 लोगों ने सदस्यता ली है, जिनमें से हमारे मौजूद हाजी यास बाबा साहब जहां हमारा प्रोग्राम चल रहा है, हाजी रूमी साहब, दानिश भाई, अंसार भाई, आमिर भाई, जाने माशाल्लाह कितने बेहतरीन योद्धा आज हमारे साथ है जो समाजवादी पार्टी में थे। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24 न्यूज़।